नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हेलो एल्केन तथा हेलो एलियंस के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न इस प्रकार से, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ में आयोडोफॉर्म पीला उच्छेद देता है जबकि क्लोरोफॉर्म नहीं, अर्थात क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ में पीला उच्छेद नहीं देता जबकि आयोडोफॉर्म पीला उच्छेद देता है, क्यों? इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे तथा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म किया जाता है। तो आइए इन्हीं दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानें। पहला प्रश्न, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ आयोडोफॉर्म पीला उच्छेद देता है जबकि क्लोरोफॉर्म नहीं, क्यों? तो आयोडोफॉर्म में कार्बन और आयोडीन के मध्य जो बंध होता है वह, यदि हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो कार्बन और क्लोरीन के मध्य बने बंध की तुलना में दुर्बल होता है, अर्थात क्लोरोफॉर्म में कार्बन और आयोडीन के मध्य बना हुआ बंध, क्लोरोफॉर्म में कार्बन और क्लोरीन के मध्य बने बंध की तुलना में दुर्बल होता है या कमजोर होता है, ऐसा कह सकते हैं हम, दुर्बल या कमजोर होता है। अतः आयोडोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ में क्रिया करके यदि NO3 के साथ में आयोडोफॉर्म की क्रिया करवाते हैं तो आयोडोफॉर्म क्रिया करके AgI बनाता है, अर्थात सिल्वर आयोडाइड का पीला उच्छेद बनाता है। पीला उच्छेद हम समझने के आधार पर लिख रहे हैं, तो आयोडोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ क्रिया करके सिल्वर आयोडाइड का पीला उच्छेद बनाता है क्योंकि कार्बन और आयोडीन के मध्य बना हुआ बंध क्लोरोफॉर्म की तुलना में दुर्बल होता है, दुर्बल होने के कारण आसानी से क्रिया करके ये सिल्वर आयोडाइड का पीला उच्छेद बनाता है जबकि क्लोरोफॉर्म का सूत्र इस प्रकार से CHCl3, जबकि क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन और कार्बन के मध्य बना हुआ बंध आयोडोफॉर्म की तुलना में मजबूत होता है, प्रबल होता है, अतः AgCl का उच्छेद नहीं बनता है। इसीलिए आयोडोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ में पीला उच्छेद देता है जबकि क्लोरोफॉर्म AgNO3 के विलयन के साथ में पीला उच्छेद नहीं देता। पहला प्रश्न हमने जाना। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म किया जाता है, यह हमने पहला प्रश्न जाना। दूसरा प्रश्न, एथिल ब्रोमाइड अर्थात C2H5Br एथिल ब्रोमाइड लिया हमने, अल्कोहलिक KOH के साथ में हम गर्म करेंगे, एथिल ब्रोमाइड प्लस KOH अल्कोहलीय गर्म करेंगे, गर्म का साइन लगा देते हम, गर्म किया तो पोटेशियम ब्रोमीन के साथ में जुड़कर पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर OH के साथ जुड़कर जल का अणु बना देगा, तो यहां पर प्राप्त होने वाला उत्पाद C2H4 इथीन या इथिलीन बनेगा, इथिलीन प्लस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस एक हाइड्रोजन यहां से विस्थापित होकर OH के साथ में जुड़कर जल का अणु बना देगा H2O इस प्रकार से, तो यहां पर प्राप्त हो गया हमारे पास इथिलीन या UPSC पद्धति में बोले तो इथीन। इस प्रकार से हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था, एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या होता है। तो जब एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म करते हैं तो इथिलीन प्राप्त होता है, और इसी प्रकार से हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।